वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल और आर्या क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम 12th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। और आज हम इसे पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत हम इस प्रकार से करते हैं। देखिए, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और ये एक निबंध है, ठीक है। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ये लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और इसकी मृत्यु हो गई थी 20 जुलाई 1914 को। यह 70 साल जिए हैं, ठीक है। और इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। और ये हिंदी प्रदीप इसका एक मासिक पत्र आया करता था, जो महीना में एक ही बार वो आया करता था, ठीक है, जिसका नाम हिंदी प्रदीप वो बहुत फेमस था। अब देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछता है वही सिर्फ हम लिखे हैं, मॉडल सेट से छाट कर इसे लिखे हैं VVI, जो हर साल पूछा गया है। जैसे देखिए, रहस्य कथा ये बार बार पूछा गया है, नूतन ब्रह्मचारी, स्वजान, एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का दभाव, ये सब उपन्यास है, ठीक है, जो बार बार पूछा गया है, जो कि VVI है। फिर देखिए, इसका एक VVI नाटक भी है, ठीक है, जिसका नाम है पद्मावती। और ये 1000 से ऊपर निबंध लिखे हैं, जिसमें से 100 से ऊपर इनका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर रामचंद्र, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल है जो बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे करते हैं, तो एडिसन और स्टील से करते हैं। एडिसन है और स्टील है जो अंग्रेज के महान लेखक है, उनसे तुलना करते हैं किसको, तो बालकृष्ण भट्ट को। और कौन करते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। देखिए, अब हम कहानी की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं कि आप लोग कान में एयरफोन डाल लीजिए और बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक से सुनिए। आप लोग को कहानी के माध्यम से यह बताएंगे तो आप लोग को आंसर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस निबंध को हम इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए क्या है, ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और वह है बोलने की शक्ति। ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और वो है बोलने की शक्ति। अगर हम लोग नहीं बोल पाते तो हमारी सृष्टि दुनिया है जो गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। फिर देखिए, इस दुनिया में बोलने की शक्ति नहीं होती तो दुनिया कैसी प्रतीत होती, तो दुनिया गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी पूछता है। और देखिए, इस दुनिया में बोलने की शक्ति नहीं होती तो दुनिया गूंगी तो प्रतीत होती, लेकिन इसके अलावा और क्या होता, तो इसके अलावा एक दूसरे लोग जाकर दीवार के कोने के पास जाकर बैठा रहता। तो इस दुनिया में बोलने की शक्ति नहीं होती तो कैसा लोग करते, तो जाके कोना में आराम से बैठा रहता, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, वाक शक्ति दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाक शक्ति है जो दो प्रकार का होता है, पहला होता है बातचीत, ठीक है, और दूसरा होता है स्पीच। बातचीत समझिए, बातचीत होता क्या है, तो देखिए बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है, और स्पीच होता है जो बहुत सारे के बीच होता है। अब जैसे 15 अगस्त है, 15 अगस्त पे हम लोग स्पीच भाषण देने जाते हैं तो वो बहुत लोग के सामने देते हैं, लेकिन बातचीत होता है तो जब भी दो व्यक्तियों के बीच होता है असल बातचीत, ठीक है। स्पीच में हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर एंड माई डियर फ्रेंड, ऐसे करके बोलते हैं। और बातचीत में हम लोग दो व्यक्ति बातचीत करते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बातचीत क्या होता है और स्पीच क्या होता है, ठीक है। फिर देखिए, हम लोग बातचीत में कभी ऐसा बोल सकते हैं कि रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, ऐसे कभी नहीं बोल सकते हैं। ये जब भी बोलेंगे तो क्या में बोलेंगे, स्पीच में बोलेंगे। फिर देखिए, रविशन क्रूसो का नाम आप लोग सुना ही होगा। वो 16 साल जंगल में रहे थे, ठीक है, और 16 साल जंगल में रहे थे तो वो कुछ नहीं बोल पाए थे। वो जंगल में ही जंगली जानवर की तरह बोलना सीख गए थे। तो रविशन क्रूसो थे जो फराइडे के मुख से एक बार सुना था। सबसे पहले
फ्राइडे के मुख से यानी मुंह से बात सुना था कौन, रॉबिंसन क्रूसो। 16 वर्ष के बाद सुना था फ्राइडे का बात। वो बात सुनी तो रॉबिंसन क्रूसो को ऐसा लगा कि मनुष्य है जो बोलता भी है। तो तब इनका अनुभव हुआ और वो एक फेमस आज प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। कौन? तो रॉबिंसन क्रूसो। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसके, रॉबिंसन क्रूसो किसके मुँह से 16 वर्ष के बाद बात सुनी थी, तो फ्राइडे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या है। बातचीत के संबंध में दो वैज्ञानिक हैं जो कुछ बताना चाहते हैं। और देखिए पहला है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का कहना है कि बातचीत से ही मनुष्य का गुण दोष साक्षात्कार का पता चलता है। गुण दोष का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, उसमें क्या गुण है, उसमें क्या बुराई है, और वो साक्षात्कार यानी शिक्षित कितना है, ये सब पता चलता है। तो बातचीत के जरिए पता चलता है। बातचीत से ही हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन सा व्यक्ति पढ़ने में कैसा है। ठीक है, तो इससे किसका का नाम है, तो बेन जॉनसन के का नाम है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। ऐसा किसका का नाम है, तो बेन जॉनसन का नाम है। एडिसन का देखिए क्या का नाम है। एडिसन का नाम है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकता है, दो व्यक्ति से अधिक बातचीत तीसरे व्यक्ति के साथ असल बातचीत नहीं हो सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेके बात आपको बताते हैं। जैसे एक लड़का है और एक लड़की है, वो दोनों प्रेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई तीसरा लड़का वहाँ पे आ जाए तो क्या दोनों एक दूसरे को प्रेम के बात कर कभी पाएंगे? नहीं कर पाएगा। बस जस्ट वैसी ही है, दो व्यक्ति में ही असल बातचीत होता है। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को कंप्लीट होते जा रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे पॉइंट क्या है, गर्म दूध को ठंडे पानी में रखा जाए तो दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। आप लोग ऐसा करके भी देखे होंगे बचपन में कि गर्म दूध को अगर हम बाल्टी में रखते हैं, ठंडे पानी बाल्टी में, तो दूध होता है जो ठंडा हो जाता है और पानी होता है जो हल्का गर्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब दो मनुष्य आपस में बातचीत करते हैं तो वो बातचीत करने का एक सही ढंग होता है। ठीक है, इसी को हम बता रहे थे। फिर आगे देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि दो बूढ़े व्यक्ति, अगर देखिए मैं ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सब किताब में दिया हुआ है, आप लोग समझ रहे हैं ना। फिर आगे देखिए, दो बूढ़े की बात। ठीक है, अब दो बूढ़े लोग कैसे बात करते हैं, तो अगर दो बूढ़े लोग बात करते हैं तो दो बूढ़े लोग क्या चीज़ पर बात करते हैं, तो दो बूढ़े लोग अपने ज़माने की बात करते हैं। ठीक है, और दो बूढ़ी लोग, देखिए दो बूढ़े लोग बोलेंगे हमारा ज़माने में ऐसा था, तो हमारा ज़माने में वैसा था, ये नहीं चलता था तो वैसे चलता था। ठीक है, ये दो बूढ़े व्यक्ति की बात है। अब दो बूढ़ी व्यक्ति देखिए अगर बातचीत करेगा तो दो बूढ़ी व्यक्ति का चीज़ पर बात करेगा, जब बातचीत करेगा तो वो बोलेगी, पहली बूढ़ी बोलेगी कि हमार पुतो वैसन है, तो दूसरी बोलेगी कि हमार पुतो वैसन है। तो इन लोग दोनों अपनी सास पुतो पर बातचीत करता है। और कभी कभी तो बूढ़ी लोग बात करते करते लड़ाई पर भी कभी कभी उतर जाती है। ठीक है ना, तो दो बूढ़ी लोग, बूढ़ी महिला है जो किसी पर बात करेगी, तो घर की स्थिति पर बात करेगी। फिर देखिए अगर दो लड़कों की बात किया जाए तो दो अगर लड़कों की बात किया जाए कि दो दो लड़कों हैं जो कैसे बातचीत करते हैं, तो दो जो लड़कों हैं वो खेलने पर बातचीत करते हैं। ठीक है, और दो विद्यार्थी की बातचीत किया जाए तो अगर दो गो विद्यार्थी बातचीत जब भी करेगा तो पहला विद्यार्थी बोलेगा कि हाँ हमार टीचर अच्छा है, तो दूसरे बोलेगा नहीं तोर से अच्छा हमार है। ठीक है, तो दो विद्यार्थी का बातचीत इस तरह से होता है। फिर देखिए दो अशिक्षित लोगों की बातचीत कैसे होता है, तो दो अशिक्षित लोगों की बातचीत, देखिए जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे अशिक्षित कहते हैं। ठीक है, और पहला अशिक्षित क्या बोलेगा, देखिए दो अशिक्षित लोगों की बातचीत कैसे करेगा हम बताते हैं। पहला बोलेगा आ तुम कितना कमाया, तो दूसरा का बोलेगा तू कितना कमेनी, ऐसे ऐसे करके बातचीत करता कौन, जो अशिक्षित लोग होते हैं वो। फिर आगे देखिए शादी विवाह की बात करें। अब शादी विवाह में कैसे बातचीत होता है, ठीक है, शादी विवाह में दोनों जने से अगुआ रहेगा, तो एगो अगुआ रहेगा बॉयज की तरफ से और एगो रहेगा गर्ल की तरफ से। ठीक है, तो बॉयज की तरफ से बात करेगा तो उसको पूरा देखेगा कि लड़का कैसन है, तो लड़की के परिवार कैसन है, अब लड़की के देखेगा उसका परिवार कैसन है, तो अगुआ में अगुआ की बातचीत होता है। ठीक है, तो शादी विवाह में भी
एक बातचीत का अलग तरीका होता है। अब देखिए क्या है आगे। तो सब को बातचीत करने का अलग अलग ढंग होता है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर देखिए, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहने का मतलब है कि यूरोप के लोग वैसे बातचीत करते हैं जो उनके, जब भी बात करते हैं यूरोप के लोग तो उसके मुँह से रस टपकता है। यानी कि अगर यूरोप के लोगों में आप बात सुनिएगा तो मन ही नहीं भरेगा, लगेगा ऐसा कि और उसके बातों को सुनते रहें, वैसा प्रतीत होता है यूरोप के लोगों में। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक अलग ही तरीका है, ठीक है। तो यही है आउट ऑफ कन्वेंशन पाया जाता है यूरोप के लोगों में, ठीक है। अलग बात करने का एक सबसे ढंग होता है, समझ गए ना। फिर आगे देखिए क्या है। बिजनेस, अगर दो बिजनेस वाले अगर बातचीत करते हैं तो वही बिजनेस एक बड़ा बिजनेस का निर्माण करता है। तो किसके जरिए करता है बड़ा बिजनेस का निर्माण? तो बातचीत के जरिए। बातचीत का एक स्वभाव होता है, ठीक है। और देखिए बिहार का उदाहरण। देखिए अगर हम बिहार के बात करें तो बिहार में कोई सही से बोलता है, आप लोग सुने होंगे, अरे अरे ऐसे ऐसे करके बोलता है। तो बिहार में बातचीत करे के केरो लूरे नहीं है, अपन सब ने बोले तो बिहार में केरो बातचीत करे को लूरे नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए, असल में बातचीत का अर्थ होता है अपने आप से बात करना। देखिए असल में बातचीत का अर्थ होता है अपने आप से बात करना। अपने आप से कभी आप बातचीत करके देखे हैं? नहीं। तो अपने आप से बात करिए, वही बात करने का एक सही ढंग होता है। अगर जिस दिन आप लोग अपने आप से बात करना सीख गए उस दिन आप लोग को जीभ पे कंट्रोल लग जाएगा, ठीक है। देखिए जीभ पे कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। जीभ पे कंट्रोल तभी हम कर सकते हैं जब हम अपने आप से गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं। और नहीं तो फिर नहीं करेगा तो जीभ एक दिन, जानते हैं जीभ है जो कभी पानों खिलाता है तो कभी लातों खिलाता है, ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो जीभ पे कंट्रोल करके बात करना चाहिए। तो यही था मेन पॉइंट जो कि हम आप लोगों को इतना अच्छा से बता पाए हैं। और अगर आप लोगों को इस अच्छा से सुने होंगे तो यह आप लोगों का निबंध पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। और आंसर क्वेश्चन कुछ नहीं, बस इसी पे आधारित है। यह आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से मैं हिंदी का हर चैप्टर बाय चैप्टर डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग इस साइड यानी दायां वाला पॉइंट को पूरा लिख लीजिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव VVI मैंने छाट कर आप लोगों के लिए खास तरह से लिखा है। और ये सब्जेक्टिव का है जो कि हम आप लोग की पढ़ाने की वजह से ये लिख पाए हैं, ठीक है। तो एक इधर साइड वाला आप लोग मत उतारिएगा, उतारिएगा तो इस साइड वाला, ठीक है। तो आप लोगों के आप कहानी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आर्या क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट में हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो के यह कैसा लगा, ठीक है। अगर आप लोगों का वीडियो सही लगा होगा तो कमेंट में लिखकर बताइए कि हाँ सर और वीडियो डालिए ऐसा, तो मैं आपको वीडियो सही भर दूंगा कहानी के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। थैंक्स।